ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम नंबर वन कर रहे हैं कि हमने कहा आउटसाइड डूअर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फेयल। फेयल इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाईलाइटेड है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। काला इज द फेयल। नाउ फेयल किस में होगा, हुआ फॉर्म में होना चाहिए या हिया फॉर्म में होना चाहिए? सो दिस काला इज इन द हुआ फॉर्म, फर्स्ट थिंग हो गई। अब जब ये हुआ या हिया फॉर्म में होगा तो इसके बाद हम आगे जाकर चेक करेंगे। अगर हमें कोई इसम रफा स्टेटस में नजर आएगा तो फिर वो उसका आउटसाइड डूअर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अर रसूलू इज द इसम इन द रफा, सो दिस विल बिकम द आउटसाइड डूअर। दिस इज वेरी सिंपल। कॉल अर रसूलू, द प्रॉफिट सेड, या रसूल ने कहा। इसी तरह से नेक्स्ट वन कॉला, अगेन द सेम वर्ब। कॉला मीन्स ही सेड, ठीक है। ये तो हमें शायद पता है, या नहीं भी पता तो इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन कुरान, इट मीन्स ही सेड कॉला। अब क्योंकि ये हुआ फॉर्म में है तो आगे बढ़कर हम चेक करते हैं, इफ वी सी एनीथिंग एन इसम इन द रफा फॉर्म दैट विल बिकम द आउटसाइड डूअर। तो इब्राहिम इज द इसम इन द रफा फॉर्म, इट विल बिकम द आउटसाइड डूअर, ठीक है। अब दखलत, दखलत किस तरह से है? दिस इज लाइक नसरत। अगर पास टेंस चार्ट अच्छी तरह से याद होगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगी। सो नसरत इज द हिया फॉर्म, सो दिस इज द हिया फॉर्म ऑफ द फेल। इट मींस कि अब हम आगे जाकर जो है वो चेक करते हैं कि हमें कोई इसम इन द रफा फॉर्म नजर आ रहा है। तो उम्मतुन इज द इसम इन द रफा फॉर्म, सो उम्मतुन विल बिकम द आउटसाइड डूअर। द नेशन एंटर्ड, ये उम्मत या कौम जो है वो दाखिल हुई। ये तीन समझ आ गए सबको? यस सिस्टर समीर। सिस्टर माहिरा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप बता दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी। अब फिलहाल आई थिंक यू आर ऑलरेडी गोइंग टू फास्ट। मुझे उस्ताद सिर्फ ये समझ में नहीं आया कि दखलत तो हमने हिया वाला फॉर्म है ऑफ पास्ट टेंस, मगर इसमें इसमें मतलब ही या फेमिनिन हम एस्पेक्ट कुछ नजर आ रहे हैं? नसरत, तो जो साइलेंट आ है नसरत, दिस इज द आइडेंटिटी। यानी कि नेशन को हम, सॉरी, व्हाट आई मीन टू से इज कि नेशन इज ट्रीटेड एज फेमिनिन, ये मैं पूछ रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे राउंड ता एंडिंग है ना। जी ठीक है, ओके। एंडिंग देखिए, राउंड ता वाली एंडिंग है, ये देखिए एंडिंग राउंड ता। अफलाहा المؤمنون, तो अफलाहा, अगेन अफलाहा इज अ हुआ फॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कोई चीज रफा फॉर्म में नजर आ रही है। इसके बाद अल मुमिनूना, इट्स लाइक मुस्लिमूना, ऊना एंडिंग, सो दिस इज रफा, दिस विल बिकम द आउटसाइड डूअर। मोमिनीन फलाह पा गए, और द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड, ठीक है। अफलाहा, फलाह पाना, टू बी सक्सेसफुल। अल मुमिनून इज द आउटसाइड फाइल, तो मोमिनीन जो है वो फलाह पा गए, या द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड। ओके, रज़क ना हूं। अब रज़क ना, ये जो ना देखेंगे तो ना से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इज द नहनु वर्जन, नसर ना की तरह है रज़क ना। तो जब नहनु वर्जन हो जाएगा, सो देर कैन नॉट बी एन आउटसाइड डूअर, देर हैज टू बी एन इनसाइड डूअर, एंड इनसाइड डूअर क्या है? इनसाइड डूअर इज नहनु। ये समझ आ गया आपको सिस्टम आयरा? नहीं उस्ताज़ा, मैम ये हुआ और हिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनसाइड हो गया? हाँ, जब हुआ और हिया होगा तो उसी में हम आउटसाइड डूअर को ढूंढेंगे, और अगर हुआ और हिया नहीं होगा तो फिर हम इनसाइड डूअर निकाल लेंगे। तो हमने इनसाइड डूअर ले लिया, वो क्या है? नसर ना, नून अलिफ से पता चल रहा है कि नहनु इज द इनसाइड डूअर। ओके, काला रजुलानी। अब काला अगेन इज द हुआ वर्जन ऑफ द फेल। जब हुआ वर्जन ऑफ द फेल होगा तो उसके बाद जाकर हम देखेंगे क्या हमें कोई चीज इसम इन द रफा स्टेटस नजर आ रहा है। तो रजुलानी, मुस्लिमानी, आनी इज द रफा, टू मैन, द टू मैन सेड, सो रजुलानी विल बिकम द आउटसाइड डूअर। इट इज वेरी सिंपल। हुआ फॉर्म या हिया फॉर्म अगर होगी तो आगे जाकर चेक करेंगे आउटसाइड डूअर को। अगर हुआ और हिया फॉर्म नहीं होगी, कोई दूसरी फॉर्म होगी, तो बस आउटसाइड डूअर हो ही नहीं सकता, फिर तो इन
साइड डूअर मस्ट है. कॉल अ रजुलानी द टू मैन सेड, दो आदमियों ने कहा. ओके नंबर सेवन, आमनन नासु, आमना अगेन आमना, नून पे फथा एंडिंग मीन्स इट विल बी द हुआ फॉर्म. सो दिस इज द हुआ फॉर्म. अब आमना के बाद हम देखेंगे कोई चीज हमें रफा स्टेटस में इसम नजर आ रहा है. अन्नासु इज द इसम इन द रफा स्टेटस, सो अन्नासु विल बिकम द आउटसाइड डूअर. आमनन नासु, लोग ईमान ले आए. द पीपल बिलीव्ड. قال ربك, अगेन قال है तो हमें पता है قال is the हुआ फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब आगे बढ़े और ढूंढे कि कोई चीज हमें इसम इन द रफा स्टेटस मिल रही है. सो ربك बेसिकली व्हाट इज ربك? इदाफा, इदाफा फ्रेगमेंट. इट इज ربو. मैं ये लिख देती हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए. सही हो Just like this. Rabbu plus ka. अब रब्बु ये मुदाफ है, रब्बु और का जो है वो मुदाफ के लिए है. जब हमारे पास इदाफा फ्रेगमेंट आता है तो हम पूरे सिस्टम आयरा पूरे रब्बु का देखकर आप नहीं कहेंगे कि ये, यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द का एंड से कि ये तो नसब स्टेटस है. नहीं, आपने जब इदाफा होता है तो इदाफा के मुदाफ को कंसिडर करते हैं. तो मुदाफ की क्या स्टेटस है सिस्टम आयरा? जी अटैच प्रोनाउन था इसका. नहीं, रब्बू का मुझे स्टेटस बताइए. रब्बू यहाँ पे भी मैंने लिखा ना, रब्बू क्या स्टेटस होगा इसका, रफा नसब या जर? रब्बू का रब्बू तो रफा हो गया. रफा हो गया, राइट. तो जब इदाफा फ्रेगमेंट होता है तो इदाफा फ्रेगमेंट का स्टेटस हम उसके मुदाफ से करते हैं. तो बिकॉज द मुदाफ इज इन द रफा स्टेटस, सो द होल फ्रेगमेंट इज इन द रफा स्टेटस. तो ये क्योंकि अब रफा स्टेटस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सो रब्बू का विल बिकम द आउटसाइड डूअर. समझ आई ये बात आपको? जी ठीक. रब्बू का में आपके दो पार्ट्स हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह. तो हम किस चीज को कंसिडर करेंगे? हम मुदाफ को कंसिडर करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे. मुदाफ का स्टेटस क्या है? रफा है. मीन्स द होल फ्रेगमेंट इज इन द रफा स्टेटस, सो दिस फ्रेगमेंट विल बिकम द आउटसाइड डूअर फॉर कौला. कौला रब्बू का, योर मास्टर सेड, आपके रब ने कहा या आपके रब ने फरमाया. ये आपको समझ आ गया रिहाब? जी उस्ताज़ा. ठीक है, और आप पिछली रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, फिर अगर आपको कुछ लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा ना तो मुझसे फिर बाद में पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह. जी उस्ताज़ा, मैंने आधी रिकॉर्डिंग देख ली थी, बस आधी रह गई है तो मुझे समझ आ गया. आपको बेसिक बातें तो समझ आ गई, फिर अगर आपका वो मिस हो गया ना प्रैक्टिस वाला तो फिर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. ओके दिस वन, ये वाला थोड़ा सा गौर से हम देखते हैं. नंबर 9, कज़बत समूदुल मुरसलीन. So, अब इसमें से मुझे बताइए कि कज़बत कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? हिया, नसरत. हिया फॉर्म, ठीक है, नसरत हिया फॉर्म है. समझ आ रहा है ना सबको? देखिए इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चार्ट्स याद होंगे, देन लाइफ विल बिकम इजी फॉर अस. अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पहले तो एक ही वर्ड था ना तो हमारे लिए आसान था उसको चेक करना. एक वर्ड हमारे पास आ रहा है समूदु, और दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है अल मुरसलीना. इन दोनों में से कोई वर्ड क्या हमें रफा स्टेटस में नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए. ठीक है, समूदु इज द इसम इन द रफा स्टेटस, सो इट विल बिकम द आउटसाइड फाइल, आउटसाइड डूअर. ठीक है, और फिर बच गया अल मुरसलीन. अल मुरसलीन का क्या स्टेटस हो सकता है? नसब या जर? जी हाँ, वेरी गुड रिहाब, नसब हो सकता है या जर हो सकता है. यहाँ पर ये नसब होगा, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ. व्हाई इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज इट इज द डिटेल. सो दिस इज द डूअर एंड दिस इज द अल मुरसलीन इज द डिटेल. देन डिटेल वी सेट के ये नसब सेट, इसमें अजीब सी राइट होगी, डजंट मैटर. ओके, देन शहीदा शाहिदुन.
Shahida means to witness. Shahidun, the person who witness. So इसमें outside doer है जिसको समझ में आ रहा है बता दीजिए कि शहीदा तो फतहा एंडिंग हमेशा tells us okay it will be the हुआ form और नसरत जैसे यहाँ पर है दखलत कज़बत तो ये साइलेंट ता और ताए साकिना वाली एंडिंग से पता चलेगा कि ये हिया फॉर्म है सो दिस इज द हुआ फॉर्म शहीदा शाहिदुन शाहिदुन क्या बनेगा इसके लिए المرسلون تو صدقہ اگین قاف کے اوپر فتح ہے تو یہ آپ کا ہوا فارم ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آؤٹ سائڈ فائل کو ڈھونڈیں گے المرسلون کون سے اسٹیٹس میں ہے رفع رفع میں رائٹ المرسلون مسلمون سو دس از دا رفع فارم اینڈ اٹ ول بیکم دا آؤٹ سائڈ ڈوئر صدق المرسلون پیغمبروں میں نہیں رسولوں نے جو ہے وہ سچ کہا اور دا پروفٹس سیڈ دا ٹروتھ اوکے ناؤ دس ون نمبر 12 یہ آپ لوگ دیکھیے آمنت بھی بنو اسرائیل آمنت از دا ہیا فارم بیکاز آف دا سائلنٹ تا نصرت سو یہ آپ کی ہیا فارم ہے اب اس میں آگے جائیں گے اور دیکھیں گے ڈو وی سی اینی تھنگ ان دا رفع اسٹیٹس بنو ایک منٹ ذرا دیکھنے دیجیے مجھے کہ کون کون سے منتہا نے جوائن کر لیا اور مناہ او سعد فاروقی نے بھی جوائن کر لیا ہے اور کس کس نے جوائن کر لیا اوکے سسٹر راشدہ نے بھی جوائن کر لیا الحمدللہ کافی لوگوں نے جوائن کر لیا چلے اوکے اب سسٹر آپ سسٹر ندرت آپ رک جائیے کسی اور کو ذرا دیکھ کر بتانے دیجیے آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ آمنت بھی بنو اسرائیل میں ہمیں کوئی چیز رفع میں نظر آ رہی ہے This one is a difficult one, so we'll take time on this. ठीक है मिनाहिल मैंने देख लिया आपका मैसेज उस्ताद साहब भी तो हर पब जर है ना जार मजरूर है बिल्कुल ठीक है इसको छोड़ दिया अच्छा अब बनू इसराइल क्या है ठीक है ये वाला मैं समझा रही हूँ आपको बिकॉज दिस आई विल राइट इट फॉर अस इट इज लाइक दिस बनून बनून क्या है बेटे ना सन्स ऑफ इसराइल यस सो बेसिकली इट इज लाइक यस सन्स ऑफ इसराइल बट हमें इसका आइडेंटिफाई करना है स्टेटस जो कि आप इतने इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे सो व्हाट इज हैपनिंग दीज आर टू वर्ड्स बनूना एंड इसराइला सो इसका हम इदाफा कंस्ट्रक्शन जब बनाते हैं तो क्या होता है नून हजफ कर देते हैं मीन्स द नून इज ड्रॉप्ड सो व्हाट डू वी गेट बनू इसराइला सो दिस इज बेसिकली बनू इज द मुदाफ आई राइट इट दिस इज द मुदाफ बनू एंड इसराइला इज द मुदाफ इलैही समझ आ रहे बनू इसराइल जब हम इदाफा कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो नून को हम ड्रॉप कर देते हैं तो इस वाओ की वजह से हमें पता चला द वर्ड वॉज एक्चुअली बनूना सिमिलर टू मुस्लिमूना सो देन दिस इज इन द और मैंने अभी आपको बताया कि जब इदाफा कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं तो उसके हम मुदाफ को देखेंगे तो मुदाफ विल टेल अस द स्टेटस सो दिस इज इन द रफा स्टेटस आमनत भी ही بنو اسرائیل آمنت ایمان لانا بھی ان پر بنو اسرائیل the sons of Israel so بنی اسرائیل یا اسرائیل کے بیٹے ان پر ایمان لائے the sons of Israel believed upon him یہ سمجھ آیا نمبر 12 جی استاذہ
ओके वादर रहमानु वादा अगेन दाल हैज अ फतहा ऑन इट सो इट विल बी द हुआ फॉर्म वादा वादा करना अर रहमानु का क्या स्टेटस है रफा स्टेटस है सो अर रहमानु बिकम्स द आउटसाइड डूअर के वादा रहमानु रहमान ने वादा किया और द रहमान प्रोमिस्ड ओके नंबर 14 कौन करेगा قام عبد الله whoever feels that they know it to kar lijiye main kar lu rashta ji sister rashta aap kar lijiye aapka naam lene hi wali thi fir maine kaha ki aap uncomfortable na feel kare ki main aapka naam kyun le rahi so it's good that qama is hua yes mim fatha to this is the hua form And Abdullahi, Abdullahi is a mudaf, mudaf is afa fragment. Right. So Abdu is in the rafa status. Alhamdulillah, yes. So it will be. Abdullahi mein bilkul Alhamdulillah, sister Rashta, I'm so glad that you were able to figure out. Abdu mein humne Abdu ko dekha. Abdu ka kya hai? The Dhamma is telling it is in the rafa status. So because Abdullahi ko ab to pure fragment ko hum rafa treat karenge. And this will become the outside doer for qama. Qama का मतलब होता है खड़ा होना. Abdullah खड़ा हुआ और Abdullah stood. Okay, number 15 कौन कर रहा है? जल्दी जल्दी कर लीजिए. कोई भी साथ फारूक आप कर लें. जाअत हुम रुसुलुहुम ये जात हम तो सिर्फ जात देखें जात कौन सी फॉर्म है हिया फॉर्म वेरी गुड इट इज द हिया फॉर्म साइलेंट ता से पता चलता है हिया फॉर्म है ओके अब जात के बाद एक तो चीज है हमारे पास हुम और दूसरी चीज है हमारे पास रुसुलुहुम अब इन दोनों वर्ड्स में से आपको लग रहा है कोई आउटसाइड डूअर हो सकता है रुसुलू हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगेन रुसुलू हुम इज द इदाफा फ्रेगमेंट रुसुलू रसूल की जमा रुसुल होती है ठीक है दिस इज रुसुलू और हुम तो मुदाफ मुदाफ की कंस्ट्रक्शन है इसमें हमने सिर्फ रुसुलू को देखा इस दम्मा से हमें पता चला कि दिस इज इन द रफा फॉर्म सो रुसुलू हुम विल बिकम द आउटसाइड डूअर फॉर जात ओके जात हुम रुसुलू हुम आए उनके पास उनके रसूल किसी कौम के बारे में बात किया जा रहा है जैसे किसी उम्मत के बारे में बात किया जा रहा है जैसे ऊपर दखलत उम्मत उन्हें तो इसलिए जात हूं तो किसी कौम के पास उनके रसूल आए ओके कद्दबा बिही कौमुका ये वाला कौन करेगा सिस्टर नुदरत आप कर लीजिए وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ فَكَذَّبَ again باب الفتح تو ہوا فارم and بِهِ is جار مجرور fragment and then قَوْمُكَ قَوْمُ is the اسم in رفع status and the کا attached to it so it will make a اضافہ fragment قَوْمُكَ صحیح translation بتائیں گی آپ ہاں okay كَذَّبَ Kazaba means denied. Yes. The qaum, the nation denied to it. Okay. Your nation. Your nation. Yes. Your nation, Kazaba denied. Bihi it. Your nation denied it. कभी कभार इसका translation be का translation नहीं होता. Okay. अल्लाह का पैगाम इसका मतलब हो रहा है ये अल्लाह की वही ही की जमीन जो है कहाँ पर जा रही है Your nation denied it. आपकी कौम ने इसका इनकार किया या आपकी कौम ने इसे छुटलाया ओके नंबर 17 कौन करेगा जल्दी से कर लीजिए दो हैं सालू मूसा सालू विच फॉर्म
मैं करूँ जी? आप कर लें, कोई भी कर लें। इसमें हमारे पास डुअल हुमा है? हुमा नहीं है। वाओ आ रहा है, वाओ नहीं सॉरी हुम है, ये हुम है जी हाँ। The doer saalu is the doer is home. ठीक है, तो जब होम डूअर हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ के आउटसाइड डूअर को ढूंढेंगे ही नहीं, हमारी सर्च खत्म हो जाएगी। सो द इनसाइड डूअर होम इज द फाइल साअलु, दे ऑल आस्क्ड मूसा, उन सब ने मूसा अलैहि सलाम से पूछा। कौल लहु मूसा, इसी तरह का एग्जांपल मैं लास्ट टाइम करवा चुकी हूँ, सो आई विल नॉट स्पेंड एनी टाइम ऑन इट, बिकॉज इट इज द हुआ फॉर्म एंड मूसा इज इन द रफा स्टेटस। जिसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग में प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वन द होमवर्क, और अब सबको ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। यू ऑल हैव टू डू इट एंड सेंड इट टू मी। अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे सब भूल जाएंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक चीज हम देख लेते हैं इससे पहले कि हम ये रिकॉर्डिंग फिनिश करके दूसरी स्टार्ट करनी है, इसी की कंटिन्यूएशन, इसी को कंटिन्यू कर लें, फिर दो दो रिकॉर्ड अपलोड करने पड़ेंगे। इट इज फाइन, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज देखते हैं, हमने जो बहुत बेसिक में कुछ बातें इनिशियल बातें की थी, हो हमने इनिशियली क्या कहा था कि डूअर को हम क्या कहते हैं? हम एक नहीं निकलते हैं। किसी का माइक ऑन है? सिस्टर आमना। ओके चलिए, उन्होंने ऑफ कर दिया। इनिशियल हमने कुछ बातें की थी जिनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटस के बारे में हमने क्या कहा था? डूअर, हमने क्या कहा था? डूअर इज ऑलवेज इन द विच स्टेटस? रफा स्टेटस। ठीक है, डूअर इज इन द रफा स्टेटस एंड द डिटेल इज इन द सब स्टेटस। एक हमें सिर्फ नई बात जो हमने सीखी है, डूअर के लिए हमने दूसरा नाम सीखा है, वो क्या नाम है डूअर का नाम? फाइल। द अरबिक टर्मिनोलॉजी, वेरी गुड, द अरबिक टर्मिनोलॉजी वी हैव लर्नड फॉर द डूअर इज द फाइल, एंड वी नो दैट डूअर और फाइल इज इन द रफा स्टेटस, इट इज द सेम थिंग। सिमिलरली डिटेल हमें पता है कि नसब स्टेटस में होती है, बट फॉर द डिटेल वी हैव टू लर्न। एक आध दफा हमने पहले कहा होगा या नहीं कहा तो अभी समझ लीजिए, इसका डिटेल इन अरबिक इट इज कॉल्ड मफूल। ठीक है, सो डिटेल या मफूल कौन से स्टेटस में होगी? नसब। नसब स्टेटस में होगी। ये बात समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लेसन टू रिमेम्बर के डूअर का अरबिक नेम फाइल है, एंड इट इज वी नो डूअर इज इन द रफा स्टेटस। डिटेल का अरबिक नेम क्या है? मफूल है, and maful will always be in the nasab status. तो अब फेल के बाद हम जब भी देखेंगे whatever is in the rafa status must be the file, and whatever is in the nasab status must be the maful or the detail for the fail. ये बात समझ आ गई? ये समझ आ गया सबको? जी उस्ताद, मैं थोड़ा सा उससे कंफ्यूज हो रही हूँ। मंसूब क्या कुछ और चीज होती थी? मंसूब कुछ होता है? नसब और मंसूब, नसब और मंसूब, इन द नसब स्टेटस अगर कहना चाहेंगे तो वो मंसूब हो जाएगा। And this is मफूल, if you could just repeat this. नसब is just the status, ठीक है? जी। नसब is just the status, और अगर हम मंसूब कहते हैं, it means in the नसब status. इसी तरह से रफा is just the status, और अगर मैं कहती मरफू तो वो हो जाता in the रफा status. So, yeah, is it okay to say that the file is in the marfu? File is yes. marfu. File is marfu. Yes. And yes. is maful mansub? जी बिल्कुल. I mean, can they be used interchangeably? Do they mean the same thing? Is that correct? Exactly, almost the same. जी हाँ, रफा कह दें या मरफू कह लें, ठीक होगा। यहाँ पे लिख लेते चले।
आप बहुत छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाती है सिस्टम आयरा. Doesn't matter, we'll write it. इसको हम कह सकते हैं रफा या मरफू कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नसब या मनसूब भी कह सकते हैं. तो बोथ ऑफ देम इट इज करेक्ट कि आप नसब कह दें या मनसूब कह दें. ठीक है, ये दो चीजें हो गई. अब एक और चीज हमें देखनी है कि जार मजरूर अगर सेंटेंस में आएगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे. सो हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट अगर सेंटेंस में आया, सो हर्फ ऑफ जर को जुमला इस्मिया में हम कैसे ट्रीट करते थे, मुतालिक बिल खबर करते थे ना ट्रीट. जहां पर हम जुमला इस्मिया में हम क्या कहते थे, मुब्तदा खबर और मुतालिक बिल खबर. तो जैसे ही हम कोई जार मजरूर फ्रेगमेंट देखते थे हम क्या कहते थे इसको, दिस जार मजरूर फ्रेगमेंट इज द मुतालिक बिल खबर. तो अगर अब जुमला फेलिया में, बिकॉज इट इज अ वर्ब बेस्ड सेंटेंस, अब यहाँ पर अगर हमने कोई हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट देखा तो हम उसको क्या कहेंगे, मुतालिक बिल फेल, बिकॉज ये फेल वाला सेंटेंस है ना. एज सून एज वी विल सी एनीथिंग विच इज अ जार मजूर फ्रेगमेंट, तो उस जार मजूर फ्रेगमेंट का लेबल यहाँ पे क्या होगा, उसका लेबल हो जाएगा अगेन इज गोइंग टू बी मुतालिक रिलेटेड टू. बट व्हाट इज इट रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू द फेल. व्हाई, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है. सो ये बस लेबल्स हमने पता कर लिए कि क्या है. डूअर विल बी इन द रफ ऑफ फॉर्म. फेल तो हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया. कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, विद द चार्ट दैट वी हैव मेमोराइज्ड. ठीक है, ओके. जब उस फेल के बाद अगर हम किसी चीज को भी देखते हैं रफा फॉर्म या मरफू में, तो वो उसका डूअर हो जाएगा. और फिर इसके आउटसाइड डूअर के मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं ऑल्सो दैट यू हैव टू कंसिडर. देन अगर हम उसके बाद किसी भी चीज को नसब में देखते हैं, नसब विल बिकम अ डिटेल इन द सेंटेंस. एंड हम किसी जार मजरूर को देखते हैं तो मुतालिक बिल फेल इन द सेंटेंस बन जाएगा. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द जुमला फेलिया. ठीक है, एक हमने कहा था जुमला इस्मिया है और दूसरा हमने कहा था कि जुमला फेलिया है. तो अब हम जुमला के पार्ट्स देख रहे हैं. सिस्टम मदीहा म्यूट कर लीजिए. जी प्लीज चलें, आप चलें, अब ड्रीम बुक पर चलते हैं. सो अब मफूल सबको समझ में आ गया ना. अब मफूल के अंदर जाते हैं हम. व्हाट इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मफूल. सो मफूल बेसिकली सबको पता है. व्हाट इज मफूल, मफूल हमने कहा कि इट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन और द डिटेल्स अबाउट द फेल. ठीक है, अब ये डिटेल क्या हो सकती है, द डिटेल इज अबाउट द एक्शन, ये फेल से रिलेटेड होगी. एंड द फर्स्ट थिंग कैन बी हु और व्हाट द एक्शन वॉज डन टू. हु वॉज द एक्शन डन टू और व्हाट वॉज द एक्शन डन टू, फेल किस पर हुआ. ठीक है, ओके. अच्छा एक चीज पहले देख लेते हैं, इससे पहले एक छोटी बेसिक चीज देख लेते हैं फिर इसके बाद, ताकि सबको थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन है भी तो वो क्लैरिफाई हो जाए. इसी में हम लेबलिंग्स को पहले एक जरा से देख लेते हैं और आप लोग मुझे बताइए लेबलिंग्स हम कैसे करेंगे. टेक योर टाइम, लुक एट द सेंटेंस एंड टेल मी हाउ आर वी गोइंग टू लेबल द सेंटेंस. इट इज सिंपल फेल ले लेते हैं. नसारा, नसारा का मीनिंग कौन बता रहा है मुझे, मैं बताऊं? जी हाँ बताइए. टू हेल्प, जी हाँ, ही हेल्प्ड, लास्ट टेंस है ना, ही हेल्प्ड. ओके, नसारा, जस्ट लुक एट इट. अभी कोई कुछ मत बोले जब तक मैं आपसे पूछूं नहीं. कीप लुकिंग एट इट. नसारा ज़ैदुन हामिदन. This is the sentence. Let's just look at the sentence.
इसके लेबल्स बताइए। ज़ैदुन इज़ फाइल, सबसे पहले हमें क्या नजर आया, सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द नसरा। नसरा क्या कहेंगे हम, फेल। नसरा क्या है, फेल। ठीक है, लेट अस लेट मी राइट इट फॉर अस। ये आपका फेल हो गया। फेल कौन सी फॉर्म में है, हुआ फॉर्म, हुआ फॉर्म में। ठीक है, राइट, इट इज इन द हुआ फॉर्म। रा फतहा मींस इट इज द हुआ फॉर्म। नाउ बिकॉज इट इज इन द हुआ फॉर्म सो आगे हमारा आउटसाइड डूअर आ सकता है, राइट। देखिए कि आउटसाइड डूअर है क्या सेंटेंस में। जी, ज़ैदुन फाइल हो गया। ठीक है, right, why do you say it is the file? It's in the rafa status and it's outside of fail hai. Yes, after, exactly, after, and it's coming after the fail, the rafa status. Yes, and the fail is in the huwa form, so we say that Zaidun is the outside word. Now what is hamidan? मफूल। वेरी गुड, यस, दिस इज गोइंग टू बी, इसको टू लाइन्स दे देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये है एम एफ मीन्स द मफूल। जो भी चीज हमें जुमला फेलिया में नसब स्टेटस में नजर आएगी हम उसको मफूल कहेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद द फिल बैती। ये क्या होगा, ये भी नसब ही हो गया मेरे ख्याल में, मुतअल्लिक फिल बैती। फी और अल हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट। वेरी गुड, जी बिल्कुल सही रहा आपने, सही कहा। और मुबर्रा ने, मुबर्रा आपने कहा, दूसरी किसकी आवाज थी, मुंतहा। ओके, मुंतहा, शाबाश बेटा। फी इज द हर्फ ऑफ जर एंड अल बैती इज द मजरूर, सो टुगेदर इट इज द हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट। और अभी मैंने क्या कहा है, हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, एज द मुतअल्लिक बिल फेल, सो दिस बिकम्स द एम बी एफ इन द सेंटेंस। समझ आया, ये समझ आ गई एग्जाम्पल सबको। जी, आउटसाइड डूअर की हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम नाउ। हामिदन इट इज सिंपल, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जहां पे भी हम नसब में कोई चीज देखेंगे दैट बिकम्स द डिटेल। अभी हमने सिर्फ इसका नया नाम सीखा है कि ये मफूल हम इसको कहेंगे। और अनदर न्यू थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे इज, जैसे ही हम हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट को देखेंगे, हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट विल बिकम द मुतअल्लिक बिल फेल। ट्रांसलेशन इसकी कोई बताएगा मुझे, नसरा ज़ैदुन हामिदन फिल बैती। जी बेटा, कोई भी कर ले। Zaid helped Hamid in the house. That's right. Zaid helped Hamid in the house. ठीक है, so that is all about the about labeling. अब हम देख लेते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया या किसी को कंफ्यूजन है? जी सर, जी उस्ताज़ क्लियर है। अच्छा ठीक है, अगर नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछ ले, तो एक और एग्जांपल ले, वरना वर्डर। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स इस बुक के थ्रू भी आ जाएंगी, तो वी सी। ओके, तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि अब मफूल जो है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ डिटेल्स वी कैन हैव इन द सेंटेंस, सो वी कैन हैव डिटेल्स हु और व्हाट द एक्शन वाज डन टू, देन वी कैन हैव डिटेल वेयर द एक्शन टुक प्लेस, द प्लेस ऑफ द एक्शन, then the time of the action, when the action took place, and then another kind of detail can be how the action took place, and the last, why the action took place. All these can be what, the details about the fail. ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये details हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, these all are maf'ool, so there can be different kind of maf'ool. First the maf'ool will tell what or who action was done to, then where the action was done, kis jagah pe, theek hai, phir when the action, to kab, that is the time, aur where kya ho jayega, place ho jayega, theek hai, aur how, in the manner in which the action was done, and why means the reason why the action was done. So ye sari different kinds of details hai, abhi hum inko dekh lete hain, ye example dekhte hain. Ahmed
ate chocolate at home yesterday happily because he was hungry. So इसमें सारी जो है वो चीजें आ गई. Action क्या है? Eight है ना? Action is eight. So all the things which are coming after it are answering the questions that what did Ahmed eat? He ate a chocolate, right? Where did he eat it? He ate it at home. ठीक है? When did he eat it? He ate it yesterday. How did he eat it? He ate it happily. And why did he eat it? He ate because he was hungry. ये समझ आ गई? ये सबको example in English. जी उस्ताद. This is quite simple. So अब जब हम इसको अच्छा ये इन्होंने यहाँ पर समझा दिया, we already have talked about it. ओके अब जब अब ये क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वेयर व्हेन हाउ एंड व्हाई इनकी वजह से क्या होगा कि मफूल का जो है वो लेबल मफूल का लेबल तो डिटेल है वो मफूल ही रहेगा बट देन इट विल हैव सम एडिशनल नेम विद इट सो व्हाट इज गोइंग टू बी जब क्वेश्चन हम पूछते हैं हु और व्हाट कि किस पर एक्शन हुआ हु रिसीव्ड द एक्शन or what received the action so that maful is called the maful bihi sab log zor se boliye taki aapki zuban pe ye word aa jaye who or what kaun sa maful answer karta hai that is maful bihi okay iski example dekhte hain this one khalaqa samawati wal arda he created means Allah subhanahu wa ta'ala created the skies and the earth theek hai khalaqa is the fi'il as samawati wal ardi what did he created the skies and the earth to ye what ka answer ho raha hai skies and the earth acha ab iske andar agar hum jaye as samawati what is the status of as samawati समावाती का स्टेटस बताएंगे इट कैन बी नसब और जर इट कैन बी नसब और जर ठीक है अभी हमें पता नहीं चल रहा तो इसके बाद जो अतफ है वल अर्दा इसको हमने देखा ठीक है इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है अल अर्दा का क्या स्टेटस है नसब राइट So this will also be in the nasab status. Both of them are in the nasab status. जब हमने अतफ वाली एक्सरसाइज की थी तो हमने कहा था कि हम उसके आगे या पीछे वाले वर्ड को देखते हैं और उसको देखने से हमें पता चल रहा होता है. So this is this can be nasab and jar. आतिन है ना ये ending. So it can be nasab, it can be jar. But because this is in the nasab status, so this is also in the nasab status. खाला का समावाद. क्या करिए अतफ आप एक्सरसाइज मुझे समझ नहीं हो बात. तो इसको कनेक्टर कह लेते हैं सो कनेक्टर को के आगे वाला वर्ड या पीछे वाला वर्ड देखते हैं और उसको देखकर हम उसका स्टेटस हमें पता चलता है अल अर्दा इज इन द नसब स्टेटस सो अस समावाती इज आल्सो इन द नसब स्टेटस सो बोथ ऑफ देम एंड अगेन वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट डिड ही क्रिएट सो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन इज आ रहा है व्हाट से ना व्हाट डिड ही क्रिएट तो जहां पर क्वेश्चन आपका फॉर्म किया और ये व्हाट वाला क्वेश्चन आपका आ गया तो ये कौन सा मफूल होगा मफूल व्हाट मफूल बिही बिकॉज व्हाट या हु का आंसर हमें मिल रहा है इससे Let us do this one. How are we going to label it? فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ चलिए अब बताइए इसको किस तरह इसकी ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन भी देख लेते Then the punishment took them. अजाब ने उन्हें पकड़ लिया ठीक है अजाब ने उन्हें पकड़ लिया
सो लेबल बताइए मुझे इसको किस तरह लेबल करेंगे. अखजा क्या है? हुआ फॉर्म. ठीक है, अखजा इज द फेल. ठीक है, ये आपका फेल है. एंड वेरी गुड, इट इज इन द हु फेल इन द हुआ फॉर्म. ठीक है, इसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन है हुम. ठीक है, सो अटैच्ड प्रोनाउन जब भी फेल के साथ आता है वो क्या बनता है? वो मफूल ही बनता है. ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं कि अटैच्ड प्रोनाउन जो है वो चार तरह के होते हैं, दो नसब होते हैं और दो जर होते हैं. तो जब भी फेल के साथ, इसको दोबारा से आप लोगों को भूल गया होगा, डजंट मैटर, इसको एक पॉइंटर बनाकर अपने पास लिख लीजिए. दैट व्हेनेवर, मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पर, मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पर ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट याद रखना भी बहुत जरूरी है. इसको लिख लेते हैं मिलकर. Whenever an attached pronoun, आप लोग अपने नोट्स में लिखे इसको. comes with a fail, ठीक है, attached pronoun किसके साथ आएगा? एक fail के साथ आएगा. so क्या होगा? It will always be in the nasab status. ठीक है, अब जब मैंने कहा कि ये हमेशा नसब स्टेटस में होगा तो ये क्या बनेगा सेंटेंस में? मफूल. ये बन जाएगा मफूल. ये पॉइंटर सब लिख लें अच्छी तरह से. सबको याद होना चाहिए कि जब भी अटैच्ड प्रोनाउन फेल के साथ अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा फेल के साथ, तो वो क्या? अच्छा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, समझ आ जाएगी. ये पॉइंटर अपने पास लिखे, उसके बाद ये देख लेते हैं. नसरा ही हेल्प. हाँ, नसरा हा क्या होगा? ही हेल्प हर. ठीक है, ये हा क्या बनेगा इसमें? मफूल. राइट, दिस हा बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द फेल, सो दिस हा इज द मफूल बिही एंड इट इज इन द नसब स्टेटस. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. अच्छा, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह की एक एक्सरसाइज पूरी, बट डजंट मैटर, रिवीजन हम सबको चाहिए होते हैं. अकलना, अकला का मतलब होता है एज. इसकी ट्रांसलेशन देखें क्या बनेगी. अकलना हु, क्या ट्रांसलेशन बनेगी? अकलना, अकला टू ईट. अकलना, we all ate who it, we all ate it, हम सब ने उसे खा लिया. अब यहाँ पे who बताएं, क्या कहेंगे आप who के बारे में? It's a mafool. It is, yes. So who is attached with a fail, it has to be in which status? It has to be in the nasab status. And because it is in the nasab status, it will become the mafool. Achha, phir koi dusre mafool nahi ho sakta. Hamesha ye mafool bhi hoga. So ye ek rule aapko yaad kar lena pakka. Ki jaisi attached pronoun fail ke saath hoga, wo uski mafool bhi banega. Koi dusri tarah ka mafool nahi banega. Because again, if you want to answer a question, what did we all eat? So answer to what ka aa raha hai na? We all ate it. आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है क्लास में? कौन कौन लोग नहीं है? सलमान और मैं एक ही कंप्यूटर पे हैं तो इसलिए वन पर्सन. अच्छा, ठीक है, सही है. मुझे सलमान की आवाज आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सलमान. ओके सलमान, ठीक है.
और अहमद भी नहीं है आज, इब्राहिम भी मेरे साथ है कंप्यूटर पे, बस ठीक है ओके देख लिया मैंने अलहमदुलिल्लाह। और सिस्टर सरवत का तो मैसेज आ गया, तो ठीक है अलहमदुलिल्लाह मैंने देख लिया कॉल वाइब है। और अच्छा कुछ लोग म्यूचुअल लैपटॉप्स और डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, सो व्हिच इज गुड। चलें ये समझ आ गया, इज इट क्लियर सो फार? ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओके तो अब आप मुझे बताइए, हमने इसको कहा था, अगेन वी विल से दैट दिस इज द अखज़ा इज द फ़िल एंड इट इज इन द हुआ फॉर्म। अब होम के बारे में क्या कहेंगे आप लोग बताइए, व्हाट इज होम? यस दिस इज द अटैच्ड प्रोनाउन, सो इट इज इन द नसब स्टेटस और इट इज मंसूब, सो एंड इट इज द मफूल भी। What is al adabu? File outside. जी al adabu कौन बताएगा कि क्या है? File. Very good file. It is the outside. Al-azabu, it is the fa'il and it is the outside doer. अभी हम इसको outside doer करते हैं, क्योंकि fa'il जो था, अभी हमने ये पूरी exercise की है, हमने fa'il को देखा, fa'il is in the हुआ form, so इसके बाद हम outside doer हमारा आ सकता है, and even whatever we will see coming after the fa'il in the rafa form, that will become the outside doer for it. So al-azabu is the outside doer. So the punishment took them. और इसका question क्या बनेगा? What took them? The question is on the screen. Who did the punishment take? It took them. ठीक है? So मफूल भी जल्दी से रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाए मफूल बिही विल ऑलवेज आंसर अ क्वेश्चन who starting with who or starting with what, generally what hota hai kabhi kabhi wo bhi hota hai. Okay, we see how far can we go today. Ye drill kar lete hain, that is going to be good. Ye kar lete hain. The inside pronoun translates as the doer and the attached pronoun is translated as the detail. ये इस वक्त हम कर लेते हैं, always तरह का हम कर चुके हैं, but still हम practice करेंगे तो it will be good for us. तीन चार think five we will initial five ones हम कर लेते हैं, ठीक है? तो first one कौन करेगा? नसराकुम. सबसे पहले first dash blank में हमें लिखना है the file. Then we have to write the maf'ul and then we will try to translate it together and we'll do the initial five. So nasarakum kaun karega mere liye? Ustaza main try karu? Ji aap kar lijiye. Ji nasara mein jo file hai wo hai hua. Theek hai, bilkul sahi. Hua is the file. Ji kum jo hai wo attached pronoun hai, so it will be in the nasab status and it will become maf'ul bihi. Very good. Yes, translation बताइए. He helped कुम में भूल गई थी. Them I think. Sure. नहीं कुम. थोड़ा सा और time ले आप आ जाएगा. He helped them. Yeah. कुम नहीं है. अगर हुम होता ना तो कहते ये. कुम नहीं है, ये कुम है. He helped them all. Yes, he helped you all. You kum. मैं लिख रही हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए.
may help you all. अगर सिस्टर माहिरा यहाँ पर हुम होता तो फिर देम ऑल होता, ये कुम है ना, तो तुम सब की, उसने तुम सब की मदद की. ओके नेक्स्ट वन जल्दी से कर सकते हैं. He helped you all male. हाँ मेल भी हो सकता है और मिक्स जेंडर भी हो सकता है, सो जस्ट राइट यू ऑल. ठीक है सिस्टर आशा आप कर लीजिए. अल्लमना हु, अल्लमना, अल्लमा मींस टू टीच. अल्लमना हु, अल्लमना हु, अल्लमा इज टीच, अल्लमना हु इज. सबसे पहले आप मुझे फाइल बताइए, फिर आप मुझे मफूल बताइए, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे. हुआ फाइल अल्लमना, नहीं ना, ना को देखे ना, ना नून अलिफ ना, इट इज लाइक नसर ना, इट्स ना नसर ना. यस नहनु, ठीक है नहनु, ठीक है. एंड हु इज द मफूल बी, मफूल बी करेक्ट. ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई हेल्प्ड नहनु, नहनु, नहनु. ओके He helped me. Hey, nahanu we. We, right. We helped. Alamna taught. We taught. Who is him? We taught right. him. जी बिल्कुल ठीक है. We taught him. एक तो नसरा से हमने ज़्यादा दोस्ती कर ली और दूसरे फ़ेल से अभी हमारी कम दोस्ती हुई है. उस्ताज़ा अगर इसमें इनसाइड हो या आउटसाइड फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्सरसाइज में? हाँ अभी तो इनसाइड ही आएगा इसमें, देख लेना इन्होंने कहा ही है राइट द इनसाइड प्रोनाउन, तो ये इनसाइड ही प्रोनाउन की बात हो रही है. ठीक है अभी इन्होंने नहीं, जैसे नसरा में तो हुआ है और अल्लमना में मतलब नंबर वन है नंबर टू में, एक में इनसाइड एक में आउटसाइड है. आउटसाइड तो कहीं भी नहीं है सिस्टम आयरा, इनसाइड ही है दोनों. उस्ताद साहब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे ये लगा था जहां हुआ और हिया है तो वो फिर वो आउटसाइड होगा. हाँ लेकिन यहाँ आउटसाइड फाइल की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पर तो इनसाइड फाइल की बात होगी. देखिए ये अल्लमना किसकी तरह है, अल्लमना इज लाइक नसरना, नसरना कौन सी फॉर्म है नसरना. लेकिन प्लीज आप चार्ट्स याद कर लीजिए सिस्टम आयरा, आई थिंक कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि आपने अपने चार्ट्स नहीं याद किए. आप अपने चार्ट्स को याद करने में बहुत टाइम लगा रही है एंड ये की कंफ्यूजन हर सेशन के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी. मैं अभी लिखकर आपको एक मिनट मैं आपके लिए लिख रही हूँ, प्लीज एक मिनट रुक जाए. ये तो डिसअपीयर नसरना, तो नसरना कौन सी फॉर्म थी, नसरना वाज द नहनु फॉर्म. ठीक है इसी नसरना की तरह अल्लमना इज द नहनु फॉर्म एंड नहनु फॉर्म मींस नहनु इज द इनसाइड डूअर बिकॉज दिस इज वन वर्ड. इस वर्ड के अंदर से हमने ये चीज तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, ये चीज तो आई कैन आई आइडेंटिफाइड माय सेल्फ की नहनु से, मगर जो फर्स्ट वाला है वो हुआ है तो मैं ये कहती जब हुआ और हिया होता है तो वो आउटसाइड हो जाता है ना, ये मैं कह रही थी. हमेशा नहीं होता है, अगर आपको उसके बाद आपने एक बात उसकी ली ना हुआ और हिया फॉर्म, अब नसरा कुम के बाद आपको क्या कोई चीज इसम इन द रफा स्टेटस नजर आ रही है जिसको आप आउटसाइड फाइल बनाएंगी? ठीक है मैं यही पूछी थी कि अगर अटैच प्रोनाउन किसी भी फेल के साथ आ जाता है तो हम उसको नसब स्टेटस कंसीडर करते हैं. दिस इज व्हाट आई वाज, दिस वाज माय क्वेश्चन, वेदर इट्स हुआ हियर और इट्स एनी अदर फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म. 14 फॉर्म हमने की है ना? जी जी ऑल 14 फॉर्म. जी ऑल 14 फॉर्म्स को हम इसी तरह से कंसिडर करेंगे कि उस किसी भी फेल के साथ फ्रॉम 1 to 14 कोई भी फॉर्म आएगी आपका अटैच प्रोनाउन होगा दैट विल बिकम द मफूल बी. ठीक है फिर हम उसको रफा स्टेटस को देखने की जरूरत ही नहीं. जी बिल्कुल सही, फिर उसको कुछ और देखने की जी जी बस यही मेरा सवाल था. ठीक है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सअलता हूं मैं करूं तो हां आप कर लीजिए.
ये अंता होगा. वेरी गुड वेरी गुड. हुम साला मींस टू क्वेश्चन. ठीक है साला यू क्वेश्चन देम ऑल. एक्सीलेंट शाबाश. यस यू क्वेश्चन देम ऑल. ठीक है ओके ये वाला कर लेते हैं. साल तुम हुन्ना. नंबर फोर कौन करेगा? सिस्टर नुदरत आप कर लें. साल तुम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ये वाओ फॉर द फ्लो है. सो साल तुम हुन्ना. सो साल तुम इज अगेन द होम. नहीं ओके सॉरी 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 ये हुन्ना इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इट. यस यस या मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ आप लोगों को. साल तुम है ये और वाओ इज द वाओ फॉर फ्लो. एंड हुन्ना इज वजह से क्या होगा ये अंतुम वर्जन है. अंतुम हो जाएगा एंड देन हुन्ना इज द डिटेल. ठीक है ट्रांसलेशन बताइए. You all asked her. Hunna. You all asked Hunna. Hunna is the okay. The feminine plural form. Sorry. ठीक है बताइए. Ask them. Yes, them all, and then this is them all is the feminine. Feminine. तुम सब ने उन सब औरतों से पूछा. That's what it is. And the last one. उस्ताज़ा जी जी ये अंतम कैसे हुआ? ये हुम हुआ ना नसर रू वाला हुआ ना जिसका अलिफ अभी मिसिंग है. ये यहाँ मैंने लिखा है ना सिस्टम मदिया. साल तुम वाओ इज फॉर फ्लो. मैं अभी दोबारा से ये समझा देती हूँ. ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी मुझे लगा आप लोगों को याद होगा. रुक जाइए मैं इसको वापस ले जाकर पीछे से समझा देती हूँ आपको. ये वाला कतब ना हा ये कर लेते हैं फिर आगे पिछले इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ. कतब ना हा सिस्टम अदी हा आप कर लीजिए. जी इसमें फाइल है नहनु क्योंकि ये नसर ठीक है नून अलिफ है. ठीक है दैट्स करेक्ट. और मफूल भी जो है वो है हा. ठीक है नहनु इज द फाइल क्योंकि नून अलिफ है और हा इज द वो मफूल भी. कतबा लिखना जैसे वी रोट देम ऑल. नहीं मैं लिखती हूँ पहले आराम से करें. पहले फाइल से करें कतब ना का ट्रांसलेशन करें. वी रोट हाँ वी ऑल हम या वी ओके जस्ट राइट वी ऑल रोट. ठीक है और हा वी रोट हर. यस या इट भी कह सकते हैं. खत लिखा होगा या कोई चीज लिखी होगी तो हर या इट भी हो सकता है. चले यहाँ तक बात खत्म हो गई. अब इसमें प्रॉब्लम आई है ये यहाँ पर था मुझे लगा कि आप लोगों को याद होगा मैंने इसको स्किप कर दिया फिर हम वापस चले जाते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. अगर आपका नसर तुम है और इस नसर तुम के साथ आपको हु अटैच प्रोनाउन करना है. नसर तुम और इसके साथ अटैच प्रोनाउन आपको हु करना है या कोई भी चीज वो करनी है तो क्या हो जाएगा नसर तुम हु. सो वी सेड कि इस तरह से करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑन द टंग टू प्रोनाउंस नसर तुम हुम. सो सिर्फ अंतुम में क्या होता है जब आपको कोई अटैच प्रोनाउन उसके साथ करना होता है तो आप फ्लो के लिए वहां पर वाओ ले आते हैं तो दैट बिकम्स नसर तुम हुम. समझ आया? जी जज़ाकल्लाह. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है. ये क्या एक्चुअली था ये अब मैं दोबारा से आपको लिखकर दिखाती हूँ ताकि अब बार बार तो एक चीज को हम नहीं कर सकते लाइक ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए. सो दिस वाज एक्चुअली लाइक दिस अल तुम. ठीक है और इस सअल तुम के साथ हमें क्या हुन्ना अटैच करना था तो सअल तुम हुन्ना अगर हम कहेंगे ना तो ये सअल तुम हुन्ना अगर हम कहते तो अगेन क्या हो रहा है कि इट्स हैवी ऑन द टंग और बोलने में फ्लो नहीं आ रहा
तो उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसा करते हैं यहाँ पर हम एक वाव लगा देते हैं, तो वाव को लगाने से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इजी ऑन द टंग, सो क्या बन जाएगा, सअल तू हुन्ना, समझ आ गया जी। सो ओनली इन द अंतुम वर्जन, जब अंतुम वर्जन में हमें अटैच प्रोनाउन मफूल वही लगाना होता है, देन वी यूज दिस वाव, एंड दिस वाव इज कॉल्ड द वाव फॉर फ्लो, फ्लो के लिए लगाते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं होता। Now, other kind of मफूल भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से मफूल का सिर्फ हमें नाम याद करना है आज के लिए, that is going to be the homework, कि आप याद कर लें नाम के मफूल भी ही तो who और what का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज द मफूल फी, सो फी इज गोइंग टू बी अबाउट द टाइम और द प्लेस, ठीक है, कि जो एक्शन है वो किस जगह हुआ या वो एक्शन जो है वो कब हुआ, ठीक है। वरफअना फौकुकुम अत्तूर, वरफअना हमने बुलंद किया, और वी रेज्ड, फौकुकुम, फौक का मतलब क्या है, ऊपर जी, ओवर यू, अत्तूर, तूर क्या है, एक माउंटेन का नाम है, ठीक है। ओके, सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन, इवन इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्योंकि हमारे लिए आसानी हो जाए, वेयर डिड वी राइज द माउंटेन, सो ओवर यू, वेयर, वेयर मफूल फीही में क्या होगा, या तो वेन होगा या फिर वेयर होगा, ठीक है। तो वरफाना फौकुकुम अत्तूर, फौकुकुम विल बिकम द मफूल फीही बिकॉज इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर, समझ आया, ये समझ आया सबको, यस, ठीक है, ओके। अब इसकी अगर हम इस वरफाना फौकुकुम, फौकुकुम इन्होंने हमें बता दिया ये तो बन गया मफूल फी, ठीक है, ये मफूल फी ही, इसको तो हमने छोड़ दिया हाईलाइटेड पार्ट, वरफाना, वा इज द एंड, एंड को छोड़ दे, रफाना क्या है, What is रफाना, ठीक है, this is the फ़िल, right. So, अब इसको हम कैसे हाईलाइट करेंगे, रफाना इज द फ़िल, एंड व्हाट इज द फ़ाइल, फ़ाइल इज द इनसाइड फ़ाइल, एंड इट इज नहानो, राइट, नसरना, रफाना, सो दिस इज फ़िल इन द नहानो फॉर्म, फ़ाइल को हम कह देंगे इनसाइड फ़ाइल, नहानो, क्लियर हो गई यहां तक बात। फौकुकुम उन्होंने हमें बता दिया है कि ये मफूल फी है क्योंकि ये आंसर कर रहा है वेयर का, ठीक है। व्हाट विल अत्तूर बी इन द सेंटेंस, प्लेस, मफूल, ठीक है, क्योंकि नसब में है तो बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे आपने नसब देखा आपने कह दिया ये नसब है तो ये मफूल बनेगा, कौन सा मफूल बनेगा, मफूल फी ही, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन देखिए, वेयर डिड वी रेज यू, वेयर डिड वी रेज द माउंटेन, उस्ताद ये फूल भी ही होगा क्योंकि वर्ड भी रेज होगा, शाबाश जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डिड वी रेज, व्हाट डिड वी रेज, राइट, यही जो तूर है ना, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जो तूर है ना ये आंसर कर रहा है व्हाट का, तो शाबाश रेहाब, दिस इज आंसरिंग व्हाट, सो इट विल बिकम द मफूल, कौन था ये, मुझे तो आपकी आवाज लगी, मुबर्रा, ओके मुबर्रा थी, चले शाबाश मुबर्रा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये समझ आया सबको, क्वेश्चन फॉर्म करना और ट्रांसलेशन से इट इज इम्पोर्टेंट, अभी के लिए इनिशियल स्टेज है तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है,
थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सब चीज आसान होती जाती है, आइडेंटिफिकेशन बिकम्स इजी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إني indeed I دعوت I called the قومي my nation ليلا ونهارا or ليلا ونهارا. Certainly I called my people day and night. ठीक है, अब इन्होंने हाईलाइट हमको क्या करके दिखाया है, लैलाउ व नहारत। ओके, एज सून एज वी सी दैट समथिंग इज इन द नसब स्टेटस इट हैज टू बी व्हाट, मफूल। मफूल, अब ये मफूल तो है क्योंकि नसब है, सिर्फ हमें क्या वो करना है, हमें ये वो करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सा मफूल है। तो लैलाउ व नहारन, लैल का मतलब हमें पता है उर्दू में भी होता है ना, लैल नाइट, नहारन इज द डे, डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट क्या चीज है, इज द टाइम, ठीक है, कोई भी चीज, एग्जैक्टली यस, सो इट विल अगेन बिकम द मफूल फी। और अगर हम क्वेश्चन फॉर्म करने चाह रहे हैं तो व्हेन डिड आई कॉल ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ये हजरत जो है ना नूह अलैहि सलाम कहते हैं अल्लाह सुबहान व तआला से कि इन्नी दाउतु कौमी लैला व नहारा, के मैंने दिन रात अपने लोगों को पुकारा। अच्छा, कितने अरसे तक हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को दावत और तबलीग का काम किया, 950 years के बाद भी some scholars say that only 80 people, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इससे भी कम, maybe like 25 or 27 people, and most of the people say कि 950 years में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। Okay, बाकी चीजों का labeling कर लेते हैं, इन्हीं को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अभी that's going to be too advanced for us, इन्हीं को छोड़, वैसे इन्हीं है क्या, बेशक हर्फ ऑफ नसब स्टेटस, हर्फ ऑफ नसब, बिल्कुल हर्फ ऑफ नसब, और या इसका इस्म हो जाएगा, हर्फ ऑफ नसब एंड इट्स इस्म, ठीक है, वेरी गुड, जिसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। हम ये कर रहे हैं, हम दाउतु से करें, दाउतु क्या है, फेल, ठीक है, फेल है, और फाइल क्या है इसका, आई, यस I, very good. So we'll say Anna. Inside file, and the inside file is Anna. The auto nasartu the auto Anna is the fail. Laylan wa naharan to hume inhone bata diya ki ye to mafool fi hi hai, isko hume chhode. What is qaumi? ये भी मफूल ही हो जाएगा, and मफूल, ये मफूल ही है, ठीक है, मफूल भी ही, right, this is first time, ठीक है, कि मैंने किसको पुकारा, who did I call, so this is the मफूल बिही। अच्छा, ये ना थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें इसका नसब नजर नहीं आ रहा ना, although it is a bit advanced, मगर हम तीन चार मरतबा ऐसी चीज, ऐसे वर्ड्स देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज कौम, एंड बेसिकली इट वॉज कौम, दोबारा से इसको देना पड़ेगा, एक मिनट में दोबारा से करती हूँ। दिस इज बेसिकली लाइक दिस, दिस वर्ड इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज कौमन, और प्लस या, अब हमने इसका इदाफा फॉर्म किया, तो ये इदाफा फॉर्म करने में क्या हो जाएगा, कौम, तनवीन हट जाएगी और या आ जाएगा यहाँ पर, कौमा और या हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो या है, द या इज नॉट कम्पैटिबल विद अ फतहा, सो इट इज कम्पैटिबल विद अ कसरा, सो कौमई नहीं कह सकते हम, इसको कौमी कहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, नसब है तो, मगर वो नसब हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन फॉर्म किया, and by making the question you are able to understand, okay, this is the mafool bihi because it is answering the question who, who did I call, I called upon my nation,
फिर नेक्स्ट वन देखते हैं. ये वाला करते हैं. मकर तुमुहु फिल मदीनती. अंतुम होगा. अंतुम हो जाएगा. मकारा मीन्स टू प्लॉट, फरेब करना. दे ऑल प्लॉटेड इट, उन सब ने मकर किया. फिल मदीनती फॉर द टाइम बीइंग, ऑल्दो कि अगर हम इसकी ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो फिल मदीनती विल से इन द सिटी, बट आई विल से फॉर नाउ बिकॉज इट इज जार मजरूर फ्रेगमेंट. तो जार मजरूर फ्रेगमेंट को हम मफूल फी ही, अगर तो आपको समझ में आ रहा है इट इज गुड फॉर यू, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एंड इफ दिस इज द हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट, सो बींग द हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट आप इसको मुतअल्लिक बिल फेल का लेबल देते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी राइट. There are two ways of doing the. अच्छा, एराब करने के ना हमेशा याद रखिएगा कि एराब is not like mathematics. तो एराब करने का कभी एक तरीका नहीं होता. एराब करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं. For the beginner level which you people are right now, so I feel it is much better कि हम इसकी translation पे ना जाए. अगर translation पे कोई जाकर इसको मफूल फी ही कहना चाह रहा है, मकर तुमुहु फिल मदीना, they all plotted in the city. तो दैट इज फाइन, मफूल फी ही आप इसको कर लें लेबल. लेकिन अगर आप इसको मफूल फी ही लेबल कर नहीं सक रहे और फिल मदीना जार मजूर को देखकर आप उसको मुतालिक बिल फेल का लेबल देना चाह रहे हैं, अगेन दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. ठीक है, ये खत्म हो गया मफूल फी ही. Okay, I think मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ. मफूल लहू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे.